So hello everyone. Am I audible to all of you? आवाज आ रही है मेरी सबको? पहुंच पा रही है आवाज? So hello everyone. Good evening. Good evening to all of you. जी तो आज सेकंड पार्ट होगा माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड का. जी सर, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. एग्जैक्टली. सो गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे. जी तो आज जो है माउंटेन्स में, कल एशिया और ऑस्ट्रेलिया हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो बैक टू हम लोग उधर यूरोपियन रीजन्स की तरफ चलेंगे और यूरोप से फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. यूरोप उसके बाद में फिर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है जी. हाँ तो आगे चलते हैं हम लोग. और इसके साथ साथ अनअकैडमिक कॉम्बैट, ये आप लोगों ने एक जो कॉम्पिटिटिव बैटल होने वाला है अनअकैडमी की ओर से फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इसको ज़रूर आप लोग एनरोल कर लीजिएगा. इसका एनरोलमेंट जो है वो अनअकैडमी के ऐप से ही होगा. अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप. ये 6 दिसंबर को होगा, सुबह टेस्ट होगा ये 11 बजे. जी हाँ. और ये अपने आप में एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे. और सबसे बड़ी बात यह है कि रियल टाइम रैंकिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. जी हाँ. और टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे विद 45 मिनट्स के साथ, 6 अलग अलग सेक्शंस. जी हाँ. ऐसे 13 कॉम्बैट्स होंगे. प्राइसेस आपको सबको पता होगा. जी हाँ, कि फर्स्ट प्राइस जो है मैकबुक एयर यहाँ पर आपको मिलने वाला है. उसके बाद जो है, जब भी आप इसका एनरोल करेंगे, मतलब ये अनअकैडमी का ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे, तो टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो इस तरह का आपको एक फीचर दिखेगा. उस पर आपको बस क्लिक करना है. वो आपसे एक इनवाइट कोड भी मांगेगा, तो इस इनवाइट कोड को आप इस्तेमाल करके फ्री एक्सेस कर सकते हैं SUTYT10 से. जी हाँ. तो इस कोड से आप कोई भी क्लास, स्पेशल क्लास, फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप दे पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोड SUTYT10 से. सो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग. और इसके पहले जो है, अब तक हम लोगों का इसमें माउंटेन्स एशिया के हम लोगों ने कर लिए थे, ऑस्ट्रेलिया के कल कर रहे थे हम लोग, है ना. ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी यदि हम लोग देखें तो साउथ की तरफ, मतलब उधर जैसे हम वेस्टर्न की साइड जब देखते हैं, तो मैं कल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ईस्टर्न साइड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हम लोग पढ़ रहे थे, जो केप यॉर्क पेनिनसुला से चल के और इधर हम लोग गए थे. तो इधर एक मैकडोनल रेंज हमें पढ़ना है. और बाकी साथ में रिवर्स भी कर ही रहे थे हम, मरे डार्लिंग रिवर्स. जी हाँ. और इसके साथ साथ जो है, इधर पर्थ के पास स्वान रिवर भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, मतलब ये हिस्सा हो गया था हम लोगों का. जी सर. और न्यूजीलैंड कवर करा रहा था मैं. न्यूजीलैंड में दो नदियां बताई थी आपको, तो न्यूजीलैंड में एक माउंटेन भी मिलता है माउंट कुक करके, उसको भी आप पढ़ सकते हो. माउंट कुक एक हाईएस्ट पीक है, मतलब नॉर्मली आप याद भी रख सकते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड कोई पूछ ले तो न्यूजीलैंड का सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो पर्वत होगा वो होगा सर, जिसको हम कह सकते हैं, जी हाँ, कुक. आज शाम को 7 बजे अनअकैडमी पर, जी हाँ, स्पेशल क्लास रहेगी. वो मैराथन है, 7 to 9 का शो, 2 घंटे की क्लास है आज हम लोग की, 7 से 9. तैयार रहिएगा. प्रोबेबली कोशिश मेरी ये रहेगी कि इंडिया के माउंटेन एक शॉट में पूरे याद हो जाए हम, है ना. पहले पढ़ लियो तो रिवाइज कर सकते हैं आप. और लगभग जितने माउंटेन्स हैं मैप के थ्रू, ये प्लान है कुछ मेरा ऐसा कि ये पूरा एक बार में हम लोग इसको याद कर लेंगे. तो नए छात्र हो तो जब वो आप क्लास एनरोल करेंगे तो एक इनवाइट कोड भी मांगेगा, तो उसको आप SUTYT10 से एनरोल करके क्लास को देख सकते हैं 7 बजे से. जी
तो अब माउंट कुक के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको यूरोप से ही शुरू कराता हूँ। काफ़ी कुछ माउंटेन्स हैं, थोड़ा सा टफ भी रहता है वो, याद हो नहीं पाते इतने जल्दी। तो सबसे पहले आप यूरोप से ही शुरू करेंगे, तो आपके सामने जो है ये यूरोपियन पूरा कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा मैप में, है ना। और आप एटलस में ओपन कर लीजिएगा और डन लिख दीजिएगा ज़रा एक बार, ताकि जो है मैं फिर प्रॉपर इसको हम लोग पढ़ सकें। तो भैया ऐसा है, इधर ध्यान दीजिएगा कि ये नॉर्वे और ये स्वीडन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। आप मतलब एटलस जब भी आप देखेंगे, जी हाँ, तो एटलस में ध्यान से समझिएगा कि ये रीजन जो है एग्जैक्टली इस रीजन को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो नॉर्थ में आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये दिखेंगे, तीन देश बड़े इंपॉर्टेंट। ऊपर देखो आप, इधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इस तरह के दिखाई देंगे। नीचे इटली वगैरह दिखाई देगा, बाकी ये चार देश तो इधर लाइन से लगे हुए हैं, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। ये अपने आप में एक अलग ही जो है पूरा आधे से ज़्यादा कॉन्टिनेंट कवर किए हुए हैं। जी हाँ, जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार उसके बाद, ताकि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इधर से, है ना, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, और इधर हम लोग आएंगे तो स्पेन। ये पूरी स्टोरी यहाँ से कह रहा हूँ मैं, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। जी हाँ, 1 2 3 4 एग्जैक्टली। तो यहाँ से जैसे ही आप लोग आते हो तो ये पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, एक इटली, इस तरह के जो देश हैं आप थोड़े से जब कवर करोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग ये देखो ब्लैंक मैप में भी देख सकते हैं कि सर दिस इज़ पोलैंड, दिस इज़ जर्मनी, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना फ्रांस, ये हो जाएगा अपना स्पेन। ये तो हो गए अपने चार अलग अलग रीजन्स, ठीक है। ये इधर हो गया अपना नॉर्वे, ये हो गया स्वीडन, जी हाँ, और ये फिनलैंड, ठीक। ये बूट शेप कंट्री पता है हमें क्या है, इटली। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि तो यही माउंटेन्स पड़ेंगे अभी अपने लोग, तो थोड़ा क्या है सही रहेगा सब सिस्टम। ये बीच में एक छोटी सी कंट्री है, नाम सुना ही होगा आपने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर आधा कंफ्यूजन में बना रहता है, सिंगापुर उधर एशिया में पड़ोगे आप, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर याद रखना, भूलना मत। तो अभी इतना करते हैं हम लोग, फिर आगे चलेंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है ऊपर, नॉर्वे और स्वीडन के पास, ज़रा सब लोग ध्यान देंगे, नॉर्वे और स्वीडन के पास। चलिए, तो नॉर्वे और स्वीडन में पहुँच जाइए, और नॉर्वे स्वीडन में जैसे पहुँचोगे आप तो ज़रा देखना, ज़रा नॉर्वे स्वीडन पे जैसे मिलोगे तो आपको वहाँ पर आपको एक माउंटेन दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ में एक माउंटेन दिखाई देगा आपको नॉर्वे स्वीडन के पास। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये नॉर्वे और ये स्वीडन इसके एकदम लाइन में, जी। तो देर इज अ माउंटेन कॉल्ड स्कैंडिनेवियन करके होगा, देखो यहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन की बॉर्डर पर फिजिकल वाला मैप। शर्त ये हो कि आपके मैप में ऊपर फिजिकल लिखा हो, फिजिकल, फिजिकल वाला मैप याद रखना है, ठीक है। जी हाँ, तो उस फिजिकल मैप में जब आप जाओगे तो आपको एक माउंटेन दिखाई देगा, जोलन माउंटेन और स्कैंडिनेवियन माउंटेन। ये देखो, स्कैंडिनेवियन और जोलन, सर दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में इनकी गिनती होती है। जैसे अरावली इंडिया में है, साउथ अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग पढ़ेंगे हम लोग, वैसे ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, जोलन माउंटेन, विच मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन। कल को ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कौन से पर्वत जो नॉर्वे और स्वीडन के बीच में, बिल्कुल नॉर्वे और स्वीडन के बीच में जनरली यहाँ पर जो है नेचुरल बाउंड्री या प्राकृतिक सीमा बनती है, तो वो भी याद रखना है अपने को कि दैट इज़ रिलेटेड विद इधर ये वाले रीजन्स में मिलेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखना कि नॉर्वे, स्वीडन को जब भी आप पढ़ते हो तो अक्सर ये स्कैंडिनेविया वर्ड भी सुनते हो आप लोग, तो स्कैंडिनेवियन मतलब ये पूरा क्षेत्र है ना, एक 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 पूरा ट्रेडिशनल, एक एक हिस्टोरिकल, एक एथनिक रीजन है पूरा। जी हाँ, तो स्कैंडिनेवियन में ये रीजन्स आते हैं, तो स्कैंडिनेवियन वर्ड ही इस पर्वत से भी आया है आप कह सकते हो, या इस रीजन के कारण इस पर्वत का नाम स्कैंडिनेवियन रखा गया है। जोलन माउंटेन याद रखना, नॉर्वे और स्वीडन के पास मिलेंगे, ओके। चलो भैया, ये होने के बाद जरा आगे बढ़ जाते हैं अपन थोड़ा सा।
आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो नॉर्वे स्वीडन के पास जाते से ही जो है नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा जो है साउथ में आना पड़ेगा, और नॉर्वे स्वीडन के बाद में आप लोग आ जाइएगा जर्मनी में सर, आप लोग आ जाइएगा जर्मनी में। जी हाँ, एक पर्वत पढ़ लिया है आपने, स्कैंडिनेवियन और जोलन माउंटेन्स। ठीक है, अब आप लोग आ जाइए नॉर्वे स्वीडन में। जी, तो नॉर्वे स्वीडन में आप जैसे ही जाएंगे, अच्छा मॉर्निंग में कल स्पेशल क्लास कल मॉर्निंग में रखूँ तो चलेगा क्या? मतलब कल शाम को आई थिंक क्लास नहीं हो पाएगी हम लोग की, तो मॉर्निंग में कितने बजे हम क्लास रख सकते हैं? सुबह 9 बजे के पहले टाइम बताइएगा मुझे, यदि आप सब आ सको तो स्पेशल क्लास में तो हम रखेंगे। जी हाँ, तो ये जो है ये जर्मनी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल। तो जर्मनी में आपको बहुत सारे माउंटेन पढ़ने हैं, दैट इज हार्ज माउंटेन और एक ब्लैक फॉरेस्ट करके। जी, कुछ भी रख लो। हाँ सात या आठ में है ना, ठीक है, तो प्रोबेबली देख लीजिएगा, मतलब हो सकता है कि कल सुबह क्लास दिखाए आपको मेरी, है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज तो शाम को रहेगी 7 से 9 में हम लोग पढ़ ही लेंगे, उसके बाद कह रहा हूँ मैं, कल फिर मैं मॉर्निंग में रखूँगा। चलिए जी हाँ, हाँ कुछ ऐसे टाइम पे रखूँगा जिसमें सब लोग उठ पाए, मतलब प्रॉपर 8 बजे तक तो जो है, कौन से जो है मतलब अलग ही जा रहा हो आप लोग के, 10 बजे ही उठता हूँ सर मैं। हाँ चलो, सो यू नो सर, मेरा उस टाइम होता है सर पावर नैप लेने का टाइम होता है सर, तो मैं पावर नैप ले रहा होता हूँ। सो ये हो गया भैया जर्मनी में, आपने जैसे ही देखा होगा तो जर्मनी में नो डाउट आपको यहाँ पर जो है एक माउंटेन दिखाई दे रहा होगा हार्ज माउंटेन करके। डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन है हार्ज माउंटेन, वो आपसे पूछ सकता है, थोड़ा याद रखना। उसके साथ उसके मैच द कॉलम में उसकी रिवर भी पूछ सकता है, ठीक है, उसकी वो रिवर भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना हार्ज माउंटेन का संबंध किससे रहेगा। तो जी, तो हार्ज माउंटेन जो है वो उसका संबंध वीजर रिवर से रहेगा, जर्मनी में रहेगा। उसके बाद में ध्यान देना, इधर जरा नीचे आना, फ्रांस में एक पर्वत मिलेंगे वॉस्जेज और ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ मिलेगा जर्मनी में, तो वॉस्जेज और ब्लैक फॉरेस्ट को भी देखना है आपको, वॉस्जेज और ब्लैक फॉरेस्ट। अब मैंने उस टाइम भी बताया था जब मैं रिवर पढ़ा रहा था, याद होगा आपको कि ये एग्जाम्पल है खंड पर्वत का, ब्लॉक माउंटेन का। हाँ जी, इसको अपन कर लेते हैं जरा अच्छे से जूम, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये हो गया अपना ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, और ये हो गया अपना वॉस्जेस, और इसके बीच में थी अपनी रिवर, दैट इज योर राइन। इसको कर दिया जूम, तो ब्लैक फॉरेस्ट इज इन जर्मनी, ब्लैक और वॉस्जेस जो है वो इसमें मिलेगा। भैया ये दोनों एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन्स के, ब्लॉक माउंटेन का मतलब खंड पर्वत के, खंड ब्लॉक माउंटेन्स अपने आप में, ठीक है। जी हाँ, याद रखना है सबको, जितने बैठे हो जो कमेंट में लिख रहा हो और जो ना भी लिख रहा हो वो भी क्लास के हिस्सा हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में, वॉस्जेस जो कि फ्रांस में, कंफ्यूज मत होना वेसुवियस से, इटली में एक वेसुवियस नाम भी पढ़ोगे आप थोड़ी देर बाद। इसके पहले और क्या पढ़ चुके हो? तो इसके पहले आप यहाँ हार्ज पढ़ चुके हो, इसके पहले यहाँ आप जोलन और स्कैंडिनेवियन पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मतलब रैंडम यदि मैं ऐसे मार्किंग कर दूँ माउंटेन, तो आपको एटलीस्ट उनकी मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए कि सर ये जो बना रहे हैं ये कौन कौन से माउंटेन कहाँ कहाँ क्यों क्यों बना रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए अपने को। एग्जैक्टली, ठीक है, तो भूलना मत काम का ये सब। चलो भैया, तो ये तो अपने को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चलें जरा। बिल्कुल, ये हो गया और ये यहाँ के माउंटेन्स कवर हो गए, यहाँ के हो गए, अब आप इधर आ जाओ, फ्रांस
फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर, फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर देखो भीड़ लगी होगी एक। जी हाँ, तो ये फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर देखना जरा कुछ मिल रहा है क्या यहाँ। यहाँ पर भी बहुत सारे पर्वत हैं सर, फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ। जी हाँ, देख रहा हूँ सर। देखो भैया जल्दी देखो, ये है पिरेनीज। देखो पिरेनीज माउंटेन, और डायरेक्ट वो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से पर्वत जो हैं वो फ्रांस और स्पेन के बीच में एक बॉर्डर बनाते हैं। तो क्या हमें याद हुआ? जी सर याद हुआ, फ्रांस और स्पेन के बीच में जो हम पढ़ेंगे, दैट इज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। याद रखना है भैया, महत्वपूर्ण अपने आप में, पिरेनीज। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है सब सिस्टम की क्या ही है, उम्मीद कर रहा हूँ। वेरी गुड। पिरेनीज के बाद में जैसे ही आप लोग आगे जाएंगे तो नेक्स्ट वन इज इबेरियन पेनिनसुला का भी कनेक्शन बना सकता है। कल को वो बोले कि इबेरियन पेनिनसुला के नज़दीक कौन से माउंटेन हैं, पिरेनीज माउंटेन है कि वॉजेज माउंटेन है कि ब्लैक फॉरेस्ट हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मालूम है कि इन्हें सब पता है, यहाँ पढ़ा पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा इधर उधर का घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। सो ध्यान रखिएगा, पिरेनीज इज रिलेटेड विद, जी सर। इबेरियन हो चाहे पिरेनीज हो, सब ये यहीं पर आसपास कह रहा है वो। दूसरा रिवर भी पूछ सकता है, तो याद रखना रिवर दैट इज एब्रो रिवर है, ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। खैर कोई बात नहीं, तो अब तक जो है आपके दिमाग में एक माउंटेन्स के रीजन्स के मामलों में, यहाँ तक ये माउंटेन आपको समझ में आ गए कि ये पिरेनीज हैं, ये ब्लैक फॉरेस्ट और ये जो है वॉस्जेज हैं, और ये हार्ज माउंटेन है, ये स्कैंडिनेवियन है, ये जोलन है। चलो कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, नहीं तो भैया इटली की ओर बढ़ेंगे, इटली की ओर बढ़ेंगे, जरा ध्यान से इटली की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी देर रुकना, मैं ना मतलब चीजें क्या है कि प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, अंधकार में कुछ नहीं होना चाहिए। 2 मिनट रुकिएगा। बस 1 मिनट, ठीक है। ये हो गया अपना एल्प्स। अब ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, ये किया जूम मैंने। अब ये हो गया इटली। अब इटली में ऊपर का देश आपको पता है कि दिस इज स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड जो है, ध्यान से सुनना, स्विट्जरलैंड की तरफ आप जब जाएंगे तो स्विट्जरलैंड के नॉर्थ में जाओगे तो जर्मनी फ्रांस दिखेगा, स्विट्जरलैंड के नीचे आओगे तो इटली दिखेगा साउथ में। बिल्कुल ना ना, इरोजनल एक्टिविटीज है ना ये शिवानी, वो अक्सर डाइवर्जन से बनते हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है वो भी। तो अब भैया ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, कि स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में आप आपको एटलस में एल्प्स पर्वत दिखेंगे, और ऊपर आपको फ्रांस जर्मनी स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा माउंटेन दिखेंगे। पहले आराम से देख लो, जूरा और एल्प्स नाम के 2 पर्वत हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलो भैया बाकी लोग इधर ध्यान दो, जरा ध्यान दो भैया, क्लास में ध्यान दें जरा सब लोग। जी हाँ, तो इधर देखो, ये है जूरा माउंटेन, मैं आपको फिर से बता दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये अल्प्स, जूम कर रहा हूँ अब मैं, ये देखो। तो जूरा जब देखोगे आप, तो जूरा आपको बिल्कुल क्लियरली नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, टुवर्ड जर्मनी फ्रांस, और इटली की तरफ इधर अल्प्स दिखाई दे रहे हैं, मिल जाएंगे आपको। तो एल्प्स, जूरा, ये सब ये एक तरह से फोल्डिंग पैटर्न है। एल्प्स तो काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन है, मतलब काफी बड़ा सिस्टम है ये भी यहाँ का, फोल्ड माउंटेन का। जी हाँ, तो ये याद रखना है ना, एल्प्स माउंटेन जो है जो इटली से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो दोनों में एक कॉमन कंट्री आएगी स्विट्जरलैंड, इटली की तरफ आओगे तो एल्प्स आंसर लगाओगे, जर्मनी फ्रांस की तरफ लगाओगे तो जूरा लगाओगे सर।
ये पर्वत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर, ये अल्प से ही शुरू हुई है आपकी, ये राइन नदी। हाँ जी राइन रिवर जो है वो एल्प से ही शुरू हुई है, एल्प्स। हाँ जी इसको याद रखना है अच्छे से सबको, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो सर समझ में आ गया हमें, लेकिन थोड़ा फोकस करना है आपको सभी छात्रों को भैया। एल्प्स के पास एक पर्वत होगा माउंट ब्लैंक करके, देखो जरा चेक करो, माउंट ब्लैंक करके एल्प्स का एक हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, इधर इटली के पास दिख रहा होगा माउंट ब्लैंक, जरा चेक कर लेंगे सब लोग, एल्प से संबंधित है माउंट ब्लैंक। देखो 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 जल्दी देखो फटाफट तेजी में, बहुत कुछ पढ़ना है अभी अपने को। तो ये ब्लैंक माउंटेन आप देख पा रहे होंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो एल्प के साथ कनेक्शन आप जो मैच द कॉलम करोगे वो हो जाएगा सर माउंट ब्लैंक, ठीक है। चलो तो ये तो सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हो गया अपना जूरा माउंटेन और ये हो गया एल्प्स माउंटेन, और एल्प्स का मैच द कॉलम माउंट ब्लैंक से कर देना। हालांकि ये एक मैटन हॉर्न भी एक माउंटेन है जो न्यूज़ में बना हुआ था, वो आपने देखा होगा, वो कोविड के टाइम पे तिरंगा लहराया था इन्होंने यहाँ पे। जी हाँ मैटन हॉर्न स्विट्जरलैंड में, वो मैटन हॉर्न पर्वत भी जो है एल्प्स का ही हिस्सा है, बट दैट इज़ टूवर्ड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की तरफ आप बना सकते हैं मैटरहॉर्न को। जी हाँ सो ब्लैंक विल बी द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स एंड मैटरहॉर्न जो होगा। जी सर ठीक, कोई समस्या हो तो बता देना मुझे। हाँ वो इटली की तरफ से, ठीक है। तो मैटरहॉर्न को लिख लीजिएगा। अब मैं वापस आता हूँ एक बार उसी ब्लैंक मैप में, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक जो है। तो ये अब आपको सब समझ में आ गया कि सर ये स्विट्जरलैंड के नीचे अल्प्स मिलेगा इधर, जो इधर फ्रांस ऑस्ट्रिया तक चला जाएगा, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है। और यही ब्लैंक पर्वत पड़ा है और ऊपर हमने मैटरहॉर्न पड़ा है, जूरा ऊपर हो गया है, ठीक है। और इतना करने के बाद हमें ये भी मालूम है कि ये ब्लैक फॉरेस्ट था, ये वॉल्जेस था, ये पिरेनीज था, और ये वाले स्कैंडिनेवियन जोलन थे, और ये हार्स था। मतलब ये इतने माउंटेन्स आपको दिमाग में बैठ गए होंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन था। चले आगे चले, मैटरहॉर्न माउंटेन है पर्वत है। अब इटली में आते हैं सर, इटली में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाली ये चीज़ें, ठीक है। वेयर इज इटली, इटली कहाँ है, इटली यहाँ है। तो इटली में जैसे आप पहुंचेंगे भैया, तो इटली में एक पर्वत दिखाई देगा, बड़ा महत्वपूर्ण पर्वत है, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, एपेनाइंस बीच इटली में, एकदम बीचों बीच इटली में। ये शर्त होनी चाहिए कि यदि आप नए छात्र हैं, तो नए छात्र यदि आप हो तो आपके पास एटलस ओपन होना चाहिए। एटलस ओपन करके आप यूरोप का मैप ओपन कर लीजिएगा, मैप जो ओपन करोगे ऊपर हेडिंग में यूरोप ब्रैकेट में फिजिकल लिखा होना चाहिए, पॉलिटिकल में मत देखना, फिजिकल वाले में देखना। और इधर साउथ की तरफ इस तरह का ये जो देश बना हुआ है बूट शेप कंट्री, उसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। जी हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इटली के माउंटेन्स। जी सर तो ये जब इटली के जब आप माउंटेन्स पढ़ोगे तो दिस इज एपेनाइंस। जी सर, और जब ये एपेनाइंस की तरफ आप जब जाओगे तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। एपेनाइंस एग्जाम में जब आएगा तो वो पूछेगा पहला क्वेश्चन कि एपेनाइंस जो है वो किस देश में, तो इटली में। पिरेनिस से कन्फ्यूज मत होना, पिरेनिस उधर था अपना फ्रांस और स्पेन में, एंड एपेनाइंस अपने आप में वहाँ लिख लीजिएगा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइम स्टोन हिल्स, लाइम स्टोन हिल्स चूना पत्थर। जी हाँ लाइम स्टोन हिल्स के लिए फेमस है ये, जी लाइम स्टोन हिल्स के लिए। तो एन एग्जाम्पल ऑफ, एन एग्जाम्पल ऑफ, एन एग्जाम्पल ऑफ लाइम स्टोन हिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वॉल्केनो बहुत ज़्यादा काम का, वॉल्केनिक माउंटेन माउंट वेसुवियस। कुछ लोग एक्टिव करते हैं, कुछ कह रहे हैं सोया हुआ है, बट खैर ठीक है, अपने आप में ये जो है वॉल्केनिक माउंटेन इरप्शन काफ़ी, इसके हिस्टोरिकल इरप्शन काफ़ी ज़्यादा भयानक हुए हैं ऑलरेडी,
माउंट विसुवियस याद रखना, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन रहेगा। और दूसरे छात्र सभी एक बात और याद रखेंगे, कंफ्यूज आपको विसुवियस के अलावा वॉस्जेस से नहीं होना है। वॉस्जेस नाम का पर्वत फ्रांस में है, पढ़ते समय ध्यान रखना है, पढ़ते समय बिल्कुल ठीक से अच्छे से सोच समझ के पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए, तो फ्रांस को याद रखेंगे, वॉस्जेस को याद रखेंगे, माउंट वेसुवियस को पढ़ना है अच्छे से। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सो दिस इज एपेनाइंस, एपेनाइंस में से माउंट वेसुवियस जी, और माउंट वेसुवियस से आप जैसे ही आओगे तो नो डाउट ये अपने आप में माउंट एटना आ जाएगा। आगे जाओगे तो माउंट एटना। अच्छा पहले ठीक है, दो तो आप कम से कम पढ़ो। तीसरा एक आइलैंड है सर, आइलैंड का नाम है इटली के सिसिली नाम से, देखना जरा इसको। सिसिली नाम से एक आइलैंड दिखाई देगा आपको एक। तो सिसिली नाम से जब आप आइलैंड देखोगे तो तो सिसिली के बाद आपको दिखेगा माउंट एटना करके, माउंट एटना ये भी न्यूज़ में बना रहता है, ये इसमें इरप्शन होता रहता है। ठीक है, तो सिसली माउंट एटना बिल्कुल एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। ओके, तो ये थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन जो होगा, अगला होगा ये लिपारी आइलैंड, दिखाई दे रहा है आपको मेरे यहाँ पे इसमें स्लाइड में। लिपारी आइलैंड के पास एक वॉल्केनो है स्ट्रॉम्बोली, आप अपने फिजिकल में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो लिख लेना स्ट्रॉम्बोली वॉल्केनो। एक स्ट्रॉम्बोली भी आपको दिखाई दे रहा होगा जी सर, देखो जरा एक बार जल्दी से देख लो सब लोग। स्ट्रॉम्बोली भी जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है जी हाँ। दोनों एटना भी और स्ट्रॉम्बोली भी दोनों देखने हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एटना जो है वो आपका मान के चलिए कि आप लोग बिल्कुल सिसिली में मिल जाएगा, और दूसरा जो है स्ट्रॉम्बोली करके जो मिलेगा वो आपको लिपारी आइलैंड में मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉम्बोली को ये लोग लाइट हाउस ऑफ मेडिटरेनियन सी भी कहते हैं, इसको आप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कह सकते हो। ओके ठीक है भैया, पढ़ लोगे? व्हाई वी आर सीइंग दिस लाइट हाउस? कुछ नहीं सर, एक्टिव वॉल्केनो है तो आग निकल रही है बिल्कुल एकदम लाइट की तरह हो रखा है ये। सो स्ट्रॉम्बोली जो है वो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, एटना जो है। चलिए अब मैं आपका छोटा सा एक टेस्ट ले लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा पता लगे कि हम लोगों को और ज़्यादा कहाँ पर काम करना है। तो भैया ये वाली सिचुएशन आप बताएंगे, यहाँ पर आप कितने शब्द पढ़ लिए हो? चलो तेजी में बताओ जरा सब लोग। सर जी यहाँ पे तो हमने एक स्कैंडिनेवियन पढ़ा है और एक जोलन पढ़ा है, ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद में सर जी यहाँ आप लोगों ने सबने पढ़ा है, क्या नाम था? ओके शाबाश, हार्ज माउंटेन जर्मनी है ये। इस साइड जर्मनी में भी तो कुछ पढ़ा है आप लोगों ने, हाँ जी ब्लैक फॉरेस्ट। इसके दूसरी तरफ भी पढ़ा है आप लोगों ने, हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है वॉस्जेज। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सबने पढ़ा है दिस माउंटेन इज पायरेनीज, वेरी गुड। इसके बाद में यहाँ आप लोगों ने एल्प्स पढ़ा है, ब्लैंक भी पढ़ा है, मैटर हॉर्न भी पढ़ा है, और जूरा जूरा भी पढ़ा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर माउंटेन्स की बिल्कुल। उसके बाद में इटली में यहाँ पे जो पढ़ा है दैट इज एपेनाइंस, वेसुवियस वॉल्केनिक, सिसिली में एटना, और एक होगा स्ट्रॉम्बोली।
काफ़ी ज़्यादा माउंटेन है, एक बार चेक करते हैं दोबारा, खुद आप आंसर दीजिएगा, अभी रुक जाओ जरा, है ना, पहला ठीक है, इसमें ब्लैंक नाम से दूसरा, मैटरहॉर्न के नाम से तीसरा, और ये ऊपर जो है फोर्थ वन जो पढ़ोगे दैट इज जूरा, मतलब यहाँ टोटल ऐसे चार हैं, एक तो पूरा एल्प्स हो जाएगा, फिर सेकंड वन यहाँ पे हम लोगों ने ही पढ़ा है ब्लैंक, फिर थर्ड वन यही मैटरहॉर्न और फिर जूरा ऐसे, ठीक है, वन टू थ्री और फोर, ये चार माउंटेन के नाम ये समझ जाओगे कौन कौन से थे यहाँ पे, ये चार आप लोग समझ जाओगे ये कौन कौन से हैं, एक जो होगा वो होगा अपना, हाँ एग्जैक्टली, दूसरा समझ गए, तीसरा समझ गए और चौथा भी समझ गए सर, ये वेसुवियस है, ये स्ट्रोम्बोली और ये एटना, ठीक है, चलो ये तो सर पढ़ लिया हमने। अब ना एक क्वेश्चन बहुत ही गजब का पूछते हैं ये लोग, बट ये क्वेश्चन उन्हीं को बनता है जो प्रॉपर मैपिंग पढ़ के जाते हैं, मतलब टेस्टिंग है मैपिंग की। लोकल विंड रिसेंटली हमने पढ़ी थी स्पेशल क्लास में, तो उसमें आपने देखा होगा कि एड्रियाटिक सी को चर्चा किया था हमने अभी, और ये एड्रियाटिक सी चर्चा की थी हमने रिलेटेड विद अ विंड कॉल्ड बोरा, ये सब फीचर मिला के क्वेश्चन बना दे वो, और कहे कि एक माउंटेन है सर उसके आसपास, ये कंट्री का नाम यदि आप एटलस में देखोगे ना तो आपको यहाँ पे क्रोएशिया बोस्नी हर्जेगोवेनिया करके मिलेगा, एक देश क्रोएशिया मिलेगा और एक देश बोस्नी हर्जेगोवेनिया मिलेगा, ओके, सो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, देयर इज अ माउंटेन कॉल्ड दिनारिक अल्प्स। अब ना वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दिनारिक अल्प्स इज एसोसिएटेड विद विच सी, किस सागर के किनारे है, ठीक है, उसके बाद में वो कभी जो है एड्रियाटिक सी के नज़दीक कौन सा मतलब माउंटेन है, वो ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ये एड्रियाटिक सी और ये दिनारिक अल्प्स के बारे में चर्चा करने में लगा हुआ है, जी हाँ सर, यहाँ पे जो ये कनेक्शन जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जो अपने को याद रखना चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो बता देना, तो दिनारी गल्फ्स कर लेना। सर मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से आप माउंटेन पढ़ा तो रहे हैं, बट यूरोप के इतने माउंटेन पढ़ाने के बाद भी अभी हाईएस्ट माउंटेन नहीं आया है सर, काफ़ी माउंटेन्स पढ़ लिए हैं सर हमने, तो सर हाईएस्ट माउंटेन कब आएगा सर फिर, ये सब आएगा, हाईएस्ट माउंटेन भी आएगा, पर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इधर दिनारिक अल्प्स के और ईस्ट में, और आप ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में देखना, एक माउंटेन मिलेगा आपको कॉकेशस करके। अब यदि आप नए छात्र हो तो आपको समस्या हो सकती है इस माउंटेन को ढूंढने के लिए, बट बेफिक्र रहिएगा, मैं बता देता हूँ, जैसे ये एटलस आपको दिख रही होगी पूरा मैप, तो आपको यहाँ ध्यान देना है इधर बिटवीन ब्लैक सी और इधर, ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप जाओगे तो इधर जाते से आपको एक माउंटेन दिखेगा कॉकेशस माउंटेन करके, कॉकेशस माउंटेन, ठीक है, एपेनाइन से भी कह सकते हो आप, एडियाटिक इज रिलेटेड विद एपेनाइंस, बट डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, डायरेक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या कहती है ना, जी, तो कॉकेशस माउंटेन्स जो होंगे वो आपके एल्ब्रुस में आप देख पा रहे होंगे, कि एल्ब्रुस आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक है, तो एल्ब्रुस को पढ़ लीजिएगा, और कल जो भी छात्र थे उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एल्ब्रुस से कंफ्यूज मत होना भैया, नहीं तो फिर समस्याएं डेवलप होने, एल्ब्रुस में जेड था है ना, और जेड में जैसे ही आप आओगे तो समझ रहा हूं मेरी बात, एग्जैक्टली जेड में आओगे तो आप ईरान में जाओगे,
जेड में आप जब जाओगे तो ईरान में आपको जाना पड़ेगा सर। जी हाँ, तो ये एल्ब्रुस है, ये एल्ब्रुस है, वो जेड था, ये एस है। हाँ जी, तो ये गलतियाँ ना करें, ना करें, ना करें। एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद मेरे पास उसका मैप होगा। नहीं तो उसमें जैगरोज और वो सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी वैसे तो, ईरान वाले माउंटेन में। खैर ठीक है, अभी तो आप समझ ही गए हैं कि ये वाला एस वाला इधर रहेगा। कॉकेशस, प्रोनाउंसिएशन देख लें, ज़्यादातर एस एस ऐसा हो रहा है, तो इसमें भी एल्ब्रस लगा देना। उधर जैगरोज में जेड वाला था सर। सो एल्बोर्ज इज एन एग्जैक्टली ईरान। अच्छा, इसकी लोकेशन जो मिलेगी आपको इधर रशिया में ही रहेगा, मतलब ये रशिया की तरफ है, दोनों सागर के बीच में। सो दिस इज द हाईएस्ट पीक, मतलब इससे ऊंचा पर्वत आपको यूरोपियन रीजन में नहीं मिल रहा है सर, तो ये थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा। सो पूरी स्टोरी को यदि मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं, तो शायद मैं अब तक यहाँ पढ़ा रहा था आपको, कॉकेशस के पास। एक आपने दिनारिक यहाँ पढ़ लिया, एक आपने यहाँ पढ़ लिया माउंटेन, दिस इज एपेनाइंस, दिस इज वेसुवियस, दिस इज एटना, दिस इज स्ट्रॉम्बोली। यहाँ पे आप लोगों ने ब्लैंक पढ़ा, यहाँ पे मैटरहॉर्न पढ़ा, और ये एल्प्स पर्वत हो गए आपके, ये आपका जूरा हो गया, ये ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, देखोगे भी तो भी काम आ जाएगा, ये वॉस्जेस हो गया, ये हार्ज माउंटेन हो गए, ये स्कैंडिनेवियन रीजन जोलन माउंटेन, ये पिरेनीज हो गए आपके। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हम लोगों ने माउंटेन्स को डिस्कस कर लिया। अब इसका ये मतलब नहीं है ना कि मतलब नया माउंटेन आ जाए तो घबरा जाएंगे, नहीं आ जाएगा तो अब तो तरीका मैंने बता दिया पढ़ने का, आप उसको प्रॉपर एटलस में देखो, उसकी कंट्री चेक करो और अपना नोट्स अपडेट कर लो। वैसे तो मैक्सिमम जो काम की चीज़ें हैं वो सब मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो भैया ये याद रखिएगा, भूलना मत, काफी ज्यादा काम का होने वाला है। चलें आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये हम लोगों का यूरोपियन रीजन का जो एक तरह से माउंटेन्स है वो एंड होते हैं, ठीक है। इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्टिनेंट की तरफ, और अगला कॉन्टिनेंट हम लोग माउंटेन्स के मामलों में क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं, तो टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, थोड़ा नॉर्थ अमेरिका को ओपन करेंगे आप, उस क्षेत्र में चलते हैं, कुछ माउंटेन वहाँ के एक्सप्लोर करके आते हैं। जी, तो नॉर्थ अमेरिका को जल्दी से आप ओपन कर लीजिएगा, इसका फिजिकल मैप, ताकि हम लोग प्रॉपर इसको और देख पाएँ। जी सर, अब नॉर्थ अमेरिका को जब भी आप देखते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि आपको पहले एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका में। बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि कंट्रीज़ कहाँ पर कौन सी हैं, तो उसके लिए यू कैन रेफर दिस मैप। तब भी मैंने रिवर के दौरान भी आपको पढ़ाया था कि ज़रा आप थोड़ा मतलब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से इस नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखोगे, तो देन यू विल रियलाइज कि कनाडा, यूएसए, मेक्सिको ने तो पूरा लगभग मैप कवर कर दिया है, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, ये मेक्सिको हो गया, अलास्का वाला ये हिस्सा हो गया अपना, ठीक है भैया। तो इनको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लेना, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी बात है ना कि माउंटेन आप कितने ही पढ़ोगे ना तो आंसर लिमिटेड है। सपोज मैंने आपसे कहा कि आप विटनी पढ़ लो, आप एपेनाइंस पढ़, आप मान के चलिए अपलेशियन पढ़ लो, आप सियरा नेवाडा पढ़ लो, आप रॉकी का एल्बर्ट पढ़ लो, ठीक है, आप
कोस्ट रेंज पढ़ लो, आप कास्केड रेंज पढ़ लो, तो इन सभी रेंज का ना आंसर एक ही है, दैट इज यूएसए। उतने में ही हो गया। मैंने आपसे कहा माउंट लोगान पढ़ लो, आपसे कहा मैंने मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है मैकेंजी पढ़ लो, तो आंसर फिर कैनेडा ही रहेगा ऐसा। तो अब क्या है, कंट्रीज कम है यहाँ पे इतने में, तो भले ही आप कितने माउंटेन पढ़ोगे, तो एक एक ग्रुप वाइज भी आप याद कर लोगे तो इसका आसान हो जाता है थोड़ा सा ना। तो यूरोपियन जितना समय लगा था हमें उसमें इतना इसमें टाइम लगेगा नहीं, जनरली ये बहुत जल्दी हो जाएगा और याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा फोकस कर लेना है आपको। तो दोबारा हम नॉर्थ अमेरिका में चलेंगे एंड नो डाउट सबसे पहले अलास्का की तरफ हम लोग आएंगे। एग्जैक्टली, तो अलास्का की तरफ जब भी आप जाओगे, तो अलास्का की तरफ जैसे ही आप लोग जाते हैं तो नो डाउट ये अपने आप में सबसे पहले आपको एक रेंज दिखाई देगी एंड दैट इज ब्रुक्स रेंज। काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि ब्रुक्स रेंज का मैच द कॉलम कहाँ करना है, तब जो है फिर आपको आंसर कहाँ देना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। चलिए तो यहां तक तो जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज, आप एक चीज और है, मैं कुछ प्लान कर रहा था जैसे आप लोगों के साथ डैम्स का, तो मैं चाह रहा था कि इसको हम स्टेट वाइज कवर करने का चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब एक ही दिन में से पूरा एक साथ करेंगे तो उसमें हम काफी कुछ भूल रहे हैं, मतलब याद नहीं हो पाएंगे। सो विल मेक अ रिचुअल कि हर 2 दिन में या 3 दिन में आपको मैं एक भले रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ वीडियो दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 8 से 10 मिनट का होगा वो, बट उसके लिए हम प्रॉपर एक सेपरेट आपको स्टेट वाइज देने का मेरा प्लान चल रहा है। स्टेट वाइज में हम लोग रिवर के साथ प्रॉपर करेंगे कौन सी रिवर पर कहाँ है, ताकि वो एक एक स्टेट भी आपका कवर होगा तो आपको पता होगा कि यार ये वाला मैंने इस स्टेट में पढ़ा था। मैंने सोचा भी था कि रिवर वाइज करा दूं, बट बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स भी हैं तो फिर उतनी काउंटिंग अननेसरी बढ़ेगी। तो एटलीस्ट हम स्टेट वाइज चलेंगे तो शायद उसमें हम कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि उसको अलग से परेशान नहीं होना कि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो जैसे नॉर्मली उसको आप ऐसे लीजिए कि चलो 10 मिनट देख लिया, दिन में एक दो बार कभी लगे तो 2-3 दिनों में एक बार उसको रिवाइज कर लिया, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ऐसे स्टेट वाइज हम लोग कर सकते हैं। स्टेट वाइज लीजिए, जैसे नेशनल पार्क को कैसे हमने कवर किया था धीरे धीरे, तो हम वैसे भी कर पाएंगे, है ना। तो ठीक है, वही सोच रहा था मैं कि एक बार आप लोगों से और पूछ लिया जाए। अलग ही बातें चल रही हैं, मतलब कुछ बच्चे जो हैं, मैं ठीक हूँ और ये एकदम अलग ही चल रहा है। अरे ध्यान दो इधर भैया, ये पढ़ना है आपने ब्रुक्स रेंज। ठीक है, तो ये ब्रुक्स रेंज को याद रखिएगा, ब्रुक्स रेंज इज इन अलास्का। ठीक है, और अलास्का रेंज जो है, ठीक है, हाँ वही अलास्का रेंज जब आप देखोगे तो नो डाउट ये आपको अलास्का में मिलेगा। तो अब ये तो एक्सपेक्ट नहीं करिएगा ना आपकी अलास्का रेंज जो है आपको मिल जाए एग्जाम में और अलास्का आप आंसर लगा दो और आप जो है खुश होके आ जाओ ना, ये नहीं मिलेगा सर। मिलेगा जो, वो कौन सा मिलेगा, तो वो मिलेगा जो है वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा मैकिनले वाला क्वेश्चन। एग्जैक्टली, तो अलास्का में आपको जो है एक माउंटेन दिखाई दे रहा है माउंट मैकिनले। इतना जोर इसलिए दे रहा हूं इस पर कि यदि आपसे मैं पूछूं कि मैकिनले बराबर कोई और माउंटेन दिख रहा हो तो मुझे बताइए, तो फिर आप देखेंगे नहीं सर, मैकिनले बराबर कोई पर्वत नहीं है। इट मींस दैट दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यूरोप में तो आखिरी में पड़ा था, अब नॉर्थ अमेरिका में तो पहले ही आ गया। एग्जैक्टली, तो ब्रुक्स हो गया, मैकिनले हो गया, अलास्का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेंजी नाम की रिवर जो पड़ी थी उस समय, मैकेंजी माउंटेन भी आप याद रख सकते हैं। सो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो कि भैया वेयर इज मैकेंजी माउंटेन, तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि सर मैकेंजी माउंटेन इज इन कैनेडा। एक माउंटेन वहां कैनेडा में लोगन भी मिलेगा आपको, लोगन माउंटेन चेक कर सकते हैं आप। लोगन माउंटेन ये आपको कैनेडा का सबसे ऊंचा पर्वत होगा, हाईएस्ट पीक ऑफ कैनेडा। ठीक है, इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और बाकी छात्रों के लिए ये मैप ब्लैंक, जीवन के आनंद यहाँ लीजिए आप।
सबसे पहला माउंटेन आपको मैंने यहाँ पर ब्रुक्स बताया, दूसरा आपको अलास्का रेंज बताई मैंने, अलास्का रेंज में एक पर्वत पड़ाया दैट इज मैकिनले, देनाली भी कहते हैं इसको हम लोग, देनाली माउंटेन, मैकिनले पर्वत। इसके बाद में ये हो गया आपका मैकेंजी, मैकेंजी माउंटेन याद रखना। और इसके बाद में यहाँ पर आप जैसे आते हैं तो दिस इज रिलेटेड विद माउंट लोगन। लोगन जो है वो नॉर्थ अमेरिका का सेकेंड हाइएस्ट भी और कैनेडा का हाइएस्ट है, ठीक है, सेकेंड हाइएस्ट और कैनेडा का हाइएस्ट। तो ये फोकस करके चलना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। एक बार और ब्रुक्स, अलास्का, मैकिनले, मैकेंजी और ये हो गया आपका लोगन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन में आ जाओ ज़रा भैया सब लोग तेजी में। रॉकी माउंटेन अपने आप में जैसे एंडीज थे वैसे रॉकीज हैं, जैसे एंडीज थे वैसे रॉकीज हैं जी सर, जैसे एंडीज पर्वत पड़े थे वैसे रॉकीज पर्वत रहेंगे, फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल हैं, कनाडा में मिलेंगे जी सर, कनाडा में मिल जाएंगे आपको। कनाडा के साथ आगे जब जाओगे तो यूएसए तक भी मिलेंगे, ये यूएसए का क्षेत्र चालू हो गया है क्योंकि अब यूएसए तक भी आ गए हैं ये, तो कनाडा से होते हुए यूएसए में आएंगे। बट रॉकी माउंटेन में सबसे ऊंचा एक पर्वत है रॉकी का, एल्बर्ट, ई एल बी ई आर टी, एल्बर्ट, ज़रा ध्यान से देखेंगे सब लोग, एल्बर्ट नाम का जो पर्वत है वो रॉकी का सबसे ऊंचा है। देनाली माउंटेन आपका मैकिनले माउंटेन है अलास्का में, मैकिनले को ही हम लोग देनाली कहते हैं, अलास्का में जो मैकिनले पर्वत है उसी को हम देनाली बोल रहे हैं जी, बिल्कुल ओके सर, समझ गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक। माउंट एल्बर्ट के बाद में आगे बढ़ते हैं दूसरी साइड, अब जब आप इधर आते हो तो देयर इज अ माउंटेन कॉल्ड माउंट विटनी, माउंट विटनी को याद रखना है। देखो तो इसका मैच द कॉलम कंट्री का पूछेगा तो कंट्री क्या लगाओगे, यूएसए लगेगा, सिंपल भाई, विटनी का पूछा मान लो उसने तो विटनी का आप क्या करोगे, मैच द कॉलम में जो जाओगे तो वो यूएसए ही जाना है जी हाँ, एग्जैक्टली ठीक है, भूलोगे तो नहीं, वेरी गुड शाबाश। ये तो अपने को समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आगे जैसे हम लोग जाएंगे तो ये यूएसए का तो पैटर्न क्लियर हो गया, बट एक चीज़ है, जैसे आप इंडिया को देखोगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड इसके इंडिया के हम लोग ले लेते हैं, बट मुख्य भूमि तो इतनी है ना, मेन लैंड तो यही है। वैसे आज आप क्या पढ़ रहे हो, नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हो, नॉर्थ अमेरिका में आपने मान लो कनाडा पढ़ा, ये वाला हिस्सा अलास्का है और ये हिस्सा इधर यूएसए का है, तो यूएसए का ही अलास्का भी है एक तरह से, बट मेन लैंड तो ये है ना यूएसए का। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे आप मैप देखते हो फॉर एग्जांपल ये, तो इसमें ग्रीन कलर यूएसए का और अलास्का दोनों का दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप, बट ये मेन लैंड का तो हिस्सा नहीं है ना, दूर का है ये। अब कभी कभी वो इसी का हाईएस्ट पीक पूछ सकता है कि इसका ही हाईएस्ट कौन सा है, मत देखो इधर उधर अलास्का को, आप तो इसका मेन लैंड का हाईएस्ट बता दो, मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा शिखर बता दो। तो इस प्रकार के सवालों के लिए आपको जो है थोड़ा सा मतलब नो डाउट विटनी की तरफ जाना पड़ेगा और जैसे ही आप जाएंगे तो आपको विटनी की तरफ यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर माउंट विटनी जो है वो ये देखने को मिलेगा और फाइनली इधर जो है ये पूरा रीजन जो है ये इसका क्या बन जाएगा, नो डाउट हाईएस्ट बन जाएगा मेन लैंड। सो यूएसए का जो मेन लैंड होगा उसका ये हाईएस्ट जाएगा। डन कोई दिक्कत किसी को, भूलोगे तो नहीं। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग, इसके बाद जो है ठीक है जी हाँ, ये विटनी हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो नॉर्थ में आपको कोस्ट रेंज और कास्केड रेंज मिलेगा, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है,
कि कोस्ट रेंज और कास्केड रेंज जो है वो किससे रिलेटेड है, तो दैट इज ऑल्सो यूएसए। बट थोड़ा एक बात फोकस और करना है कि यदि थोड़ा मैप वर्क पूछना चाह रहा है वो, तो कौन सा ओशियन इससे कनेक्टेड बोलोगे आप, पैसिफिक या अटलांटिक? ध्यान रखना ये पैसिफिक से संबंधित रहेगा, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। हालांकि माउंट विटनी के पास एक पर्वत और देखने को मिल सकता है, आप लोग थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा। जी हाँ दीपू कुमार, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे लो भैया, बातें ना करें और ना किसी को बातों में लगाएं। जी हाँ, तो सियरा नेवाडा को जरा थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट रहेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वतों के एग्जाम्पल हैं, जैसे वो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉजेस जो पढ़ रहे थे आप लोग। तो कक्षा में आप तभी बैठे हैं जब आप सिर्फ पढ़ने आए हो यहाँ पर, ये सबके लिए है। एग्जैक्टली, तो एटलीस्ट आप पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें, मतलब एक घंटे हम लोग आ रहे हैं तो चीज़ें एटलीस्ट बेस्ट जो हो सके वो उतना याद करके हम लोग जाएं, है ना। नहीं तो ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे लाइफ में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं सब। इसलिए जब समय होता है तब पढ़ाई ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कर लो पढ़ाई, मतलब सही रहेगा। एग्जैक्टली, सो सियरा नेवाडा को जो है थोड़ा सा याद रखना, भूलना मत, है ना। एग्जैक्टली, दूसरी चीज यदि मैं इसको ब्लैंक मैप में एक बार ले जाऊं तो थोड़ा सा जो है आपका नो डाउट अपने आप में, यहां पर जैसे ही आप जाएंगे तो अभी मैंने जो है आपको यहां पर एक माउंट विटनी बताया है, ये उसी का सियरा नेवाडा का पार्ट था। सियरा नेवाडा में आपको याद रखना है कि दिस इज रिलेटेड विद ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, एंड विटनी इज रिलेटेड विद द हाईएस्ट पीक ऑफ मेनलैंड यूएसए, मेनलैंड यूएसए। कास्केड एंड कोस्ट रेंज दैट इज रिलेटेड विद पैसिफिक ओशियन, ओके। ये आपका रॉकी माउंटेन था, तो रॉकी से आपने यहाँ पर जो याद रखा दैट इज योर, ये यहाँ पर कौन सा याद रखा था, एल्बर्ट, है ना। यहाँ पे आप लोग लोगान पढ़ चुके हो, ये आप लोगों का मैकेंजी पढ़ना था, और यहाँ पर आप ब्रुक्स रेंज पढ़ चुके हो, और इधर आप अलास्का में मैकिनले पढ़ चुके हो, मैकिनले। एग्जैक्टली, तो इतना सब मैंने अभी इसमें पढ़ाया है नॉर्थ अमेरिका में, ध्यान देना है आपको। आगे एक पर्वत और है, लेकिन उसके पहले आपको आंसर देना पड़ेगा, वेयर इज जोलन माउंटेन। जोलन माउंटेन आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, बिल्कुल जोलन माउंटेन जो था वो कहाँ था? एग्जैक्टली सर, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज इन नॉर्वे एंड स्वीडन, यूरोपियन रीजन में। एंड वो जो एग्जाम्पल था वो वर्ल्ड का अपने आप में आप ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम में आता था, पुराने पर्वतों में आता था। एग्जैक्टली, वैसे ही हर कॉन्टिनेंट में मैं आपको एक ओल्ड माउंटेन तो कम से कम पढ़ाऊँगा जो याद रखना चाहिए आपको। जैसे यूरोपियन में आप लोगों ने उसको पढ़ा नॉर्वे स्वीडन में, वैसे ही आप यहाँ पर एप्लेशियन माउंटेन को देख सकते हैं, टेनेसी रिवर वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जी हाँ, सो ये एप्लेशियन माउंटेन्स जो हैं बहुत ओल्ड माउंटेन है ये भी। इनफैक्ट इन क्षेत्र में आपको आयरन ओर और बेस्ट क्वालिटी कोल देखने को मिलता है, और यही कारण है कि पेंसिल्वेनिया में जो पिट्सबर्ग एक प्लेस है यूएसए का, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जी हाँ, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता। तो पिट्सबर्ग जो इतना डेवलप हुआ है इंडस्ट्रीज के मामले में, उसका कारण भी है कि अप्लेशियन माउंटेन जो कि सबसे पुराने क्षेत्र हैं वो इसको यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कोल और आयरन ओर को जो है वो प्रोवाइड कराता है सर। जी सर, तो ये अप्लेशियन माउंटेन को भूलना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है यूएसए का ये, ओके। चलो तो ये थोड़ा फोकस करना है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन्स। वहीं पर एक ब्लू रिज भी देखने को मिलेगा, तो ब्लू रिज ये स्टेट पीएससीज के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आप एडअप कर सकते हैं, ब्लू रिज इज इन यूएसए। उसके पहले अब हम लोग जो है टेस्ट यहाँ पर मैं कंडक्ट करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। 1.2 दो इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, 3 एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई, 4th, 5th, 6th, 7th, 8.9, 10.11 और 12 और 13। टोटल 13 नेम्स आपको लिखने हैं सर,
और खुद की टेस्टिंग भी हो जाएगी कि कौन सा आपको आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन सर जी, एक होगा अलास्का रेंज एंड प्लस इसके साथ मैं एडअप कर देता हूँ कौन सा वाला नेक्स्ट वाला, ये क्या होगा आपका एग्जैक्टली? हाँ जी आंसर दो, वेरी गुड। तो नेक्स्ट वन जो होगा वो होगा आपका, ग्रेट, दैट इज रिलेटेड विद, वेरी गुड, मैकिनले। लेकिन ध्यान रखना इसको देनाली भी कहते हैं। थर्ड वन इज ब्रुक्स रेंज, ये हो गया सर ब्रुक्स रेंज, वेरी गुड। अगला, रुकना नहीं है जरा, मैं देख रहा हूँ सबका आंसर कमेंट में कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। जो लोग अब तक नहीं भी लिख रहे थे वो भी कोशिश करें एक बार लिखने की, चीज़ें ऐसे ही याद होंगी। सर दिस इज मैकेंजी माउंटेन, दैट इज रिलेटेड मैकेंजी रिवर, ये यहाँ पे सर लोगान होगा। सिक्स्थ वन इज यूर रॉकी माउंटेन, सेवन्थ वन इज रॉकी नीचे तक भी आएगा एल्बर्ट होगा। एट्थ जो होगा वो होगा विटनी, नाइन्थ जो होगा वो होगा सियरा नेवाडा, टेंथ वन जो होगा दैट इज यूर कास्केड रेंज, कोस्ट रेंज, प्लीज ध्यान रखेंगे कास्केड कोस्ट इज रिलेटेड विद पैसिफिक, यूएसए में है ये सब। इधर आप आओगे तो अपलेशियन बेल्ट, और यहाँ पर आओगे तो दैट इज ब्लू रिज। ये भैया अपने पूरे माउंटेन हैं, याद रखना भूलना मत, ठीक है? कोई समस्या जी? आज शाम को 7 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आप डाउनलोड तो कर ही लिया होगा, आपने नहीं किया हो तो कर लेना भैया, 7 बजे से लगाकर 9 बजे तक 2 घंटे का सेशन है, पूरा मैराथन सेशन है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि इंडिया के माउंटेन्स एक ही बार में एंड होंगे 2 घंटे के अंदर। तो जिसने पढ़ा हो जिसने नहीं पढ़ा हो आप आ सकते हैं। क्लास को जब एनरोल करेंगे मेरी प्रोफाइल में जाना होगा आपको, सुदर्शन गुर्जर, वहाँ पे आपको स्पेशल क्लास वाले सेक्शन में जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। इनवाइट कोड मांगे आपसे तो SUDYT10 का इस्तेमाल कर लेना, ये कोड आपको बहुत काम आएगा आगे, क्योंकि इससे आपको मेरी पूरी स्पेशल क्लास, फ्री क्लास, लाइव टेस्ट सीरीज, आगे आने वाली जितनी भी क्विजेज हैं वो सब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो SUDYT10 से। और कॉम्बैट में अब तक आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर ही लिया होगा, कॉम्बैट अनअकैडमी, कॉम्बैट आपका लिए बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो कि ऐसा टेस्ट होने वाला है 6 दिसंबर सुबह 11 बजे, जिसमें आपने क्वेश्चंस ऐसे जो हैं काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन से आप नए होंगे कुछ, आपके लिए बढ़िया चीज़ें रहेंगी कि हाँ ठीक है कुछ इस तरह पे अभी तैयारी करनी है हमें ऐसे। सो SUDYT10 जी हाँ, ये कुछ इसके जो हैं इसका कोड है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जब भी आप लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है बिल्कुल बेहतर पढ़ने का मौका, लाइव क्लास जैसा पूरा इंटरेक्शन, बिल्कुल पूरा एनवायरनमेंट, जैसे पोलिंग भी कर रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं तो आपको प्रॉपर जो है रैंकिंग पता लगेगी आपकी, प्रॉपर कमेंट सेक्शन रहेगा जी हाँ, लाइव डाउट सॉल्विंग रहेगा एग्जैक्टली। और आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच भी असाइन हो जाते हैं, इसके लिए भी आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा SUDYT10 से। मैकिनले आंसर देना पड़ेगा हाईएस्ट यूएसए का, बट इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि वो मेनलैंड का तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है एग्जैक्टली तो मिलते हैं हम लोग शाम को 7 बजे जी हाँ, 7 बजे रहेगी क्लास। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, ठीक है तो मिलते हैं इसके बाद हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और